हेलो गाइस, वेलकम टू अनलीश। माय नेम इज अभिमन्यु और आज हमारे साथ आए हैं पुनीत भैया और ये इनका प्यारा सा अमेरिकन डॉबरमैन है। तो आज हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ब्रीड के साथ। सो भैया, वेलकम टू आवर चैनल। सो भैया, आपने मतलब अमेरिकन डॉबरमैन लिया, तो आप मतलब क्या सोचा आपने कि मैंने डॉग लेना है? भैया, मेरे को स्टार्टिंग से शौक था डॉग्स का, तो रोटरी रखे हुए थे, तो जो मेरा छोटा भाई है वो कह रहा डॉबरमैन लेना है, तो फिर वो डॉबरमैन लेकर आ गया। वो उस टाइम पता नहीं था अमेरिकन यूरोपियन भी कुछ होता है। अच्छा। तो ये लाया, फिर उसको थोड़ा रिसर्च करा हमने, तो यूरोपियन डॉबरमैन का पता लगा, फिर वो भी लिया हमने। बट ये शुरू से ही शौक था डॉग्स का। हाँ जी। वैसे आपका डॉग ये शो लाइन डॉग है ना? हाँ जी भैया, शो लाइन डॉग है। अच्छे लग रहा है, बड़ी अच्छी ब्रीड है। कहाँ से लिया आपने डॉग? भैया फरीदाबाद में एक है अनिल दत्त। ओके। हाँ जी, वो थोड़े रिलेशन में भी लगते थे, उनसे डॉग लिया था ये। अच्छा। रमेश जी हैं फरीदाबाद में, उनकी ब्रीडिंग के डॉग है। तो भैया मतलब आप बताएं कि इस डॉग की एक्सरसाइज नीड्स वगैरह, मतलब आप उसका आपका रूटीन कैसा रहता है? ये थोड़ा एथलेटिक डॉग है, एक्टिव डॉग है। अच्छा। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है रखने के लिए, बट ये थोड़ा इसको घुमाना ज़्यादा पड़ता है और डॉग्स के मुकाबले, थोड़ी इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ता है। यूजुअली कहते हैं ना कि अमेरिकन डॉबरमैन जो है, अगर आप विकिपीडिया गूगल वगैरह भी करोगे तो बताते हैं ना कि जो अमेरिकन डॉबरमैन है वो बड़े ही शांत रहते हैं, कहते हैं डर जाते हैं वो फिर भी ना। नहीं नहीं भैया, लेकिन यूरोपियन नहीं डरते, लेकिन अमेरिकन डर जाते हैं। तो ऐसा मतलब सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है। अच्छा। कोई फर्क नहीं है दोनों में, बस थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर का ही फर्क है। ये भी अग्रेसिव होते हैं, यूरोपियन भी अग्रेसिव होते हैं, थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं। हाँ जी। शोला है ना, वो ब्यूटी के लिए है, ब्यूटी के लिए है भैया, बट अग्रेसिव ये भी होते हैं, गार्ड पूरा करते हैं। तो घर में मतलब इसका टेम्परमेंट यूजुअली कैसा है औरों के साथ? हाँ जी भैया, बच्चों के साथ, सबके साथ अच्छे फ्रेंडली रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वही थोड़ा गूगल पे इसका हाइप बनाया हुआ है। अच्छा। बाकी तो नॉर्मल डॉग है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो अब अमेरिकन डॉबरमैन है, सबको पता बड़े चूजी होते हैं खाने के मामले में। हंजी, हंजी। तो आप, आपके साथ ऐसा कोई इशू आया है तो आप उसको ओवरकम कैसे करा आपने इस इशू को? ये थोड़ा चूजी तो होते हैं ये, थोड़ा फूड के लिए, थोड़ा इनको चिकन राइस देते हैं, थोड़ा ये उससे खा लेते हैं। अच्छा। शौक से खा लेते हैं, बट ये थोड़े चूजी होते हैं यूरोपियन डॉबरमैन के अकॉर्डिंग। अच्छा। खाने में थोड़ा नखरे तो करते हैं। तो अगर कोई भैया अमेरिकन डॉबरमैन लेने की सोच, मतलब अगर कोई भी सोचता है कि भाई मेरे को डॉबरमैन लेना है, तो आप अमेरिकन डॉबरमैन उसको क्यों रिकमेंड करोगे? और किस मतलब अगर एक आइडियल ओनर कौन होना चाहिए इसका? वे डॉबरमैन तो वैसे किसी के लिए भी नहीं है, डॉबरमैन तो उसके लिए जो इनके साथ टाइम दे सके, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है, वर्किंग डॉग्स हैं यार, बहुत ज्यादा पावर है, लगाना पड़ता है इसको। अगर लाना है तो फिर समझो इसको टाइम देना पड़ेगा भैया। तो किसी डॉग के साथ भी आप अगर टाइम लगा सको तो ही एक डॉग पावर, बहुत फैमिली मेंबर की तरह है, पावर बहुत ज्यादा पावर है, मस्कुलर डॉग है। देखो मैंने भी गाइस अभी देखा, इसे बहुत ज्यादा पावर है, पुल बहुत ज्यादा करता है। भैया देखो बॉडी बॉडी बढ़िया है, तो ये ही हैंडल कर पा रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल सूट करता है ये डॉग। थोड़ी पावर ज्यादा है ना भैया, थोड़ा इनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। एक घंटा सुबह वॉक चाहिए, शाम को भी चाहिए। तो मतलब आप सुबह आप इसकी एक्सरसाइज कैसे कराते हो भैया? थोड़ा तो सब जब पॉटी वगैरह करते हैं घुमा देते हैं, फिर ग्राउंड में खुला छोड़ देते हैं। अच्छा। तो आधा घंटा छोड़ देते हैं दोनों को, तो ये अपना खेल लेते हैं। अच्छा, ये जो टेल डॉग और ईयर्स क्रॉप कराए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मतलब आपने मतलब सोचा था कि आप कराएंगे, आपने पहले से ही लिया था? नहीं भैया, क्यों नहीं रखा इसको? एक थोड़ा आजकल लुक की वजह से गूगल किया था, तो डेंजरस लगता है, तो इसलिए फिर टेल डॉग और वो क्रॉप करा दिए थे, नहीं तो आए थे टेल के साथ ही आए थे दोनों ही। गाइस, ये तो अमेरिकन डॉबरमैन, यूरोपियन डॉबरमैन की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप देखना, आपको पता लगेगा उनके ओनर्स का रिव्यू, और एक ये हम डालेंगे अभी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।